5 मिनट का वही ज्ञान चलेगा, ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री चलेगी। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, ठीक है। आई होप आप इसको शेयर करेंगे, इसको शेयर करेंगे आप, है ना। आप पढ़ रहे होंगे हम डरेंगे और रोज डरेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अगर क्यूए से डर रहे हैं या आप ज्योमेट्री से डर रहे हैं तो आप रोज डरिए। हमेशा होता क्या है कि हम डरते हैं, लेकिन हम जब डरते हैं वो टाइम निकल जाता है डरने का। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का साफ साफ मतलब तो यही है कि अगर आप उसको रोज डरेंगे तो रोज डर के कुछ आप कवर भी करेंगे, है ना। रोज डरेंगे तो कुछ कवर भी करेंगे। अगर आप एक दिन डर गए और अगले दिन नहीं डरे तो उसमें दिक्कत क्या है कि आप कुछ कवर नहीं करेंगे। आप 2 हफ्ते बाद जब मोक होगा उसमें सोचेंगे कि यार हम मुझे कुछ नहीं आता, है ना। अगर आप रोज सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो थंबनेल में भी मैंने एक बात लिखी थी कि फियर्स आर नथिंग मोर देन द स्टेट ऑफ माइंड। आप डरो, लेकिन उतना ही डरो जितना वो बंदा रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट डिजर्व करता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, डैश कैट्स कैसे हैं माधव। मेरी आपसे स्पेशल एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्रीवियस ईयर मॉक्स को करना छोड़ दो, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर मॉक्स को करना छोड़ दो और लाइव मॉक्स लो। डैश कैट्स इस साल के काफी बढ़िया हैं, काफी बढ़िया हैं, है ना। मतलब दे आर अमेजिंग, इररिलेवेंट नहीं आ रहा उसमें कुछ, तो आप डैश कैट्स जरूर ले सकते हैं, है ना। हम डरेंगे और रोज डरेंगे, है ना। हम डरेंगे और पढ़ेंगे, डरेंगे भी पढ़ेंगे भी। ये डर हमें फोर्स करेगा पढ़ने के लिए, है ना, ये डर हमें फोर्स करेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमें डरना है, हमें देखना है कि यार जो ज्योमेट्री है उसमें सवाल, जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी होते हैं, हार्ड होते हैं या क्या होते हैं, है ना। इजी, हार्ड और व्हाट, ठीक है। सच में एक बात बताऊं तो ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट, ऑल अबाउट रिवीजन। तुम्हें कोई चीज नहीं पता तो यू कैन नॉट सोल्व इट इन एग्जाम। तुम्हें अगर पहले से पता है तुम 1 मिनट में सोल्व कर लोगे, और नहीं तो तुम 5 मिनट लगाओगे और तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द ज्योमेट्री, है ना। फंडामेंटल रूल ऑफ ज्योमेट्री यही है। अगर आप 1-2 घंटे और साथ में रह सकते हैं तो मैं सारी ज्योमेट्री कवर करा दूंगा, नहीं तो कुछ पार्ट करा दूंगा, कुछ पार्ट हम बाद में कर लेंगे, जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे कर लेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, ज्ञान हो गया, है ना। हर क्लास का स्ट्रक्चर यही रखेंगे, थोड़ा सा ज्ञान और फिर क्लास। बट रिक्वेस्ट है उसके बाद भी, ज्ञान के बाद भी मुझे मैसेज मत करना कि ये क्या करना है वो क्या करना है ना। हम पढ़ाई पे डिस्कशन जरूर करेंगे लेकिन फालतू स्ट्रेटेजियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सर डेली लोगे ऐसे क्लासेस? नहीं यार डेली तो नहीं, मेरे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं होता डेली। तो मिनिमम टाइम टू कवर ज्योमेट्री इफ स्टार्टिंग नाउ, मिनिमम टाइम इफ यू हैव गुड रिसोर्सेज, तुम्हें पता है कहाँ से कवर करनी है, तो 15 डेज इज वेरी वेरी मच टाइम, है ना, वेरी मच टाइम। रोज अगर आप कहीं 2-3 घंटे की क्लास लोगे, 15 डेज में आपकी ज्योमेट्री खत्म है। जितने भी लोग अभी हैं हाय बोल दो एक बार, जितने भी लोग हैं, फिर स्टार्ट करता हूं मैं अभी, है ना।
20 लोग हैं, बाकी लोगों के क्या हाथ दर्द कर रहे हैं क्या? हीरो नहीं बनना, हीरो वालों के तो मार्क्स ही नहीं आते जो हीरो बनते हैं, हमें तो मार्क्स लेने हैं, तो 0 to 100 ही सही है ना। पहला इसमें मैं इंपॉर्टेंट स्टफ कराऊंगा, आई प्रॉमिस यू, कुछ भी मिस मत करना, आपको लगे इररिलेवेंट तब भी मिस मत करना, हार्ड लगे तब भी मिस मत करना, क्योंकि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं खुद नहीं चाहता यार कुछ इररिलेवेंट बताना है ना, तो एकदम जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, और कुछ भी हो डायरेक्ट आप मुझे लाइव चैट में तुरंत कर देना, ठीक है, और हम तभी डिस्कस कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि बहुत बढ़िया सेशन हो ये वाला, है ना, ऐसा सेशन हो कि हर बच्चा पसंद करे इसको बाद में भी, है ना, इसको याद रखा जाए इस सेशन को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहली तो है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर एक लाइन यहां से ऐसे आ रही है, एक लाइन यहां से ऐसे आ रही है, ठीक है, एक लाइन यहां से ऐसे आ रही है और एक लाइन ये पैरेलल है, ठीक है, इसका डिस्टेंस ए है, इसका डिस्टेंस एक्स है, इसका डिस्टेंस बी है, इसका डिस्टेंस वाई है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय एक्स इज इक्वल टू बी बाय वाई, ए बाय एक्स इज इक्वल टू बी बाय वाई, ठीक है। अब ये अप्लाई कैसे होती है, कभी कभी ये ट्रायंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये लाइन की लेंथ है 3, ये लाइन की लेंथ है 5, ये लाइन की लेंथ है 6, इसकी हमें फाइंड करनी है ना। तो अब यहां पे मुझे कुछ नहीं देखना, दो लाइन पैरेलल है, तो अभी जो मैंने सीखा है 3/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 6, तो 6 × 18/5 एक्स इज इक्वल टू 3.6, समझ गए, इतना इजी स्टफ बन जाएगा, ठीक है। अब 0 to 100 है तो थोड़ा थोड़ा साथ में हम देखेंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है हमारा लेस देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल होता है हमारा ग्रेटर देन 90, एंड राइट एंगल होता है हमारा इक्वल टू 90, ठीक है। सब टाइप के बच्चे हैं तो सभी टाइप का हम स्टफ पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन, 3 sides इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल, 2 sides इक्वल हो, 1 non-equal हो, वो साइड वो ट्रायंगल होता है आइसोसेलस, और 9 sides इक्वल हो, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके मैजिक देखेंगे हम आज, है ना, मैजिक देखेंगे और सच में मैजिक होगा, है ना, वो होता है स्केलन, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ट्रायंगल्स, एक तो होते हैं सिमिलर और एक होते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो मतलब बिल्कुल इक्वल इन साइज इन समथिंग समथिंग, है ना। ये चीज की हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आता कैट में, है ना, और कॉन्ग्रुएंस में क्या है यार, मतलब ये और ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना। सिमिलर में क्या है, अगर मैं ये ट्रायंगल कहूंगा और ये ट्रायंगल कहूंगा, ये सिमिलर होंगे क्योंकि ये इसके जैसा है। हमें कह देते हैं ना, मैं कोई बच्चा अपने मम्मी के जैसा लग रहा है, मतलब वो अगर बॉय है तो उसकी जो मदर है वो फीमेल है ना, दोनों के सेक्स अलग हैं बल्कि, बट वो सिमिलर दिखते हैं, है ना। तो यही है कि सिमिलर मतलब दिखने में, इसका मतलब अगर ये 2 है और ये 4 दे रखा है तो ये 3 है तो ये ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा, ये 4 है तो ये ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा, है ना, इसका मतलब हमारा सिर्फ इतना ही है। अब हम सिमिलैरिटी पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे क्योंकि अच्छे से अच्छे बच्चे को इस पे कंफ्यूजन आती है कि सिमिलैरिटी कैसे होती है,
सिमिलरिटी कैसे होती है? मतलब कि एस ए एस रूल होता है ना, आपने पढ़ा होगा, एस एस रूल होता है। मैं तो कह रहा हूं कोई रूल नहीं होता, कोई रूल नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, सबसे पहले आप ये देखो, आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एक तो होता है साइड एंगल, साइड मतलब एक हमारी साइड, एक एंगल और एक साइड, तो वो सिमिलर हो जाएंगे, है ना। एंगल 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 सबसे बेस्ट तरीका है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी का सिर्फ एक तरीका है, एंगल एंगल एंगल। अब देखो बच्चों को प्रॉब्लम कहां होती है। ये एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है पीक्यूआर। मेरी आवाज साफ आ रही है ना सभी को? ठीक है, एक ट्राइंगल है पीक्यूआर, एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, अब उसमें हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, मैं आपको कहूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब बहुत बच्चे कहते हैं क्या लिखूं मैं, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर या बी सी ए सिमिलर टू पी क्यू आर या सी ए बी सिमिलर टू पी क्यू आर या फिर ए बी सी सिमिलर टू आर क्यू पी, इसमें से क्या लिखें, है ना, क्या लिखें? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उसको लिखें तो क्या लिखें, करें तो करूं क्या, है ना। क्योंकि ये मैटर बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि इससे मैं क्या बोलूंगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये दो लास्ट और दो लास्ट क्यू आर, है ना। तो ये यहां पे देखने में इन्फरेंस यहां पे अलग आएगा, यहां पे अलग, यहां पे अलग, लेकिन ऐसा आना नहीं चाहिए। तो इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा एंगल पे फोकस करूंगा। मान लो ये 40 है, ये 60 है और ये हमारा है 80, और ये 40 है, ये 60 है, ये 80, तो एंगल 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 इक्वल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब तुम्हें इसका नोमनक्लेचर कभी नहीं लिखना एग्जाम में। तुम्हें इस पे क्या जाना है, तुम्हें जाना है इसके सामने वाली साइड, 60 के सामने वाली साइड क्या है, बी सी, और यहां 60 के सामने वाली साइड क्या है, पी आर इज इक्वल टू यहां 40 के सामने वाली साइड ए सी। ये एंगल का इफेक्ट इस साइड पे आता है, ये वाले का इस साइड पे आता है ना। अब यहां 40 के सामने वाली साइड क्यू आर, यहां 80 के सामने वाली साइड ए बी और यहां 80 के सामने वाली साइड पी क्यू, तो ये ट्रू होगा। अब तुम इसको लैंग्वेज लिखना ही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना, तो तुम्हें इसको ऐसे सोल्व करना है ना। ठीक है, अब फिर आता है ये साइड 4 है और ये साइड 8 है, ये साइड 4 है और ये साइड 8 है, दोनों 80 के सामने वाले हैं। तो मतलब ए बी बाय पी क्यू हो गया 4/8 और आई कैन से 1/2। अब इसकी साइड्स का रेशियो है 1/2, तो इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, 1/4, मतलब इसका स्क्वायर। मतलब अगर इसका एरिया एक्स है तो इसका एरिया 4x हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये तुम्हें समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे परपेंडिकुलर्स मिलती हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर्स। आई एम नॉट सेइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ये जहां पे मिलेंगी वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, फिर मान लो एक आता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड में क्या, ये मीडियन है, फिर एक मीडियन ये है, फिर एक मीडियन ये है, तो ये होता है सेंट्रोइड, ये होता है सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड की कुछ प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, ये जो लाइन है मतलब जहां से वो ड्रॉप होगी, ये अगर टू है
तो ये उसका हाफ होगा, ये वाली लेंथ। सिमिलरिटी यहाँ से ये ऐसे ड्रॉप होगी, तो ये अगर 2 है, 2:1 में होगा, और ये भी 2:1 में होगा। ये सभी को समझ आ गया? इतना सभी को समझ आ गया? उसके बाद ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया इक्वल होता है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसका बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखो, सेंट्रोइड। अब ये, अब मैं नोट्स बना रहा हूं, इसको क्लिक कर लेना है ना, हर पेज के नोट्स बनाता हूं, है ना, पिछले भी नोट्स क्लिक कर लेना और इसके भी क्लिक कर लेना, या नोट कर लेना, या कल कर लेना, वीडियो पड़ी रहेगी, है ना। ऑर्थो सेंटर जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है ना, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होती है, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट। सेंट्रोइड जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट होती हैं। उसके बाद आता है हमारा इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके मैजिक देखने वाले हैं, पेशेंस रखो, बहुत सारे मैजिक आएंगे, है ना, बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूलाज आएंगे। मैजिक मतलब, ये अगर एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जहां पे मीट करती हैं वो होता है, मतलब ये और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है ना, ये होता है हमारा इन सेंटर, ये होता है हमारा इन सेंटर, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आप ये मत समझना आपको पता है, आपको ये चीजें नहीं पता, क्योंकि आगे इसका यूज आएगा, वो बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद एक होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, जहां पे परपेंडिकुलर लाइन और वो बाइसेक्टर भी हो, मतलब ये परपेंडिकुलर तो है ही और ये इसको बाइसेक्ट भी करेगी, ये परपेंडिकुलर तो है ही, ये इसको बाइसेक्ट भी करेगी, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है वो यहां से ही स्टार्ट हो, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हम साइड्स पे जो लाइन परपेंडिकुलर है और उसको बाइसेक्ट कर रही है, मान लो ये एक लाइन ऐसे है, ये एक लाइन ऐसे है, और ये एक लाइन ऐसे है ना, ये मान लो यहां पे ऐसे निकल जाएगी लाइन, है ना, तो इसका मतलब नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर भी और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, ये परपेंडिकुलर है इसको बाइसेक्ट कर रही है, और ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये होता है, ये वाला पॉइंट होता है हमारा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई, अगर आ गई तो एक बार सब यस लिख दो, है ना। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स पे। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका ईच एंगल कितना होता है, सबसे बेसिक चीज 60 डिग्री, और ईच साइड होती है ए, ठीक है। ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, √3/4 a² विल दिस वीडियो बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब? हाँ ये यूट्यूब पे ही रहेगी, ठीक है, यूट्यूब पे रहेगी। इन सेंटर तो यार बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होता है ना, सर्कम सेंटर तो कुछ और हो गया, इन सेंटर तो होता है एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और सर्कम सेंटर साइड को बाइसेक्ट करेगा, है ना, और परपेंडिकुलर होगा। तो इसका एरिया क्या आएगा, देखो नोट्स बना रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं आपके लिए, नोट्स बना रहा हूं, कितने 4-5 नहीं हो गया। एरिया आएगा इसका √3/4 a². इसकी हाइट क्या आएगी, मतलब यहां से मैं एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, हाइट क्या आएगी, √3a/2, a/2, है ना। अब देखो इसकी मैं अगर यहां से जो हाइट ड्रॉ करूंगा, याद रखने वाली चीज क्या है, वो मीडियन भी होएगी, वो 90 डिग्री भी होएगी, वो बाइसेक्टर भी होएगी, वो सारा कुछ होएगी, ठीक है, वो सारा कुछ होएगी, वो मीडियन भी होएगी, परपेंडिकुलर भी होएगी इसके, और इसकी एंगल बाइसेक्टर भी होएगी।
उसके बाद देखो हाइट आ गई, उसके बाद देखो आप, उसके बाद देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैंने यहां से हाइट ड्रॉप की या मैंने एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया या मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक ही बात है। यहां से भी ड्रॉप कर दिया और यहां से भी ड्रॉप कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब ट्राइंगल का एरिया जो है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वेयर, उसका अगर मैं सिक्स्थ पार्ट, उस ये देखो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया इक्वल है। तो मतलब अगर मैं इसको एक्स ले लूंगा तो 6x इज इक्वल टू रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वेयर। कई बार हमें क्वेश्चन में, कई बार क्या, बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में, एक सेकेंड, बहुत बार क्वेश्चन में हमें कह देता है कि साइड देके इसका एरिया फाइंड करो, तो इसका एक्स है, इसका 2x है, तो हमें पता है ट्राइंगल के एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और हमें 2 पार्ट्स का फाइंड करना है, तो टोटल एरिया को 1/3 से मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब मैं इसके अंदर इन सर्कल ड्रॉ करता हूं। एक तो होता है सर्कम सर्कल और एक होता है इन सर्कल। इन सर्कल मतलब इन, इन मतलब अंदर। तो वो अगर मैं अंदर ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा ड्रॉ होएगा, है ना, ऐसा ड्रॉ होएगा। तो इसकी रेडियस क्या आएगी, इसकी रेडियस क्या आएगी, और एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ऐसा ड्रॉ होएगा, है ना, ऐसा ड्रॉ होएगा, कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ होएगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, इन सर्कल की रेडियस और सर्कम सर्कल की रेडियस के लिए, रेडियस के लिए देखो, इन सर्कल की रेडियस मैं आपको दिखाता हूं, ये सेंटर है, इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, इतना इतना पार्ट, इतना इतना पार्ट, इतना इतना पार्ट, है ना, ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, इसका इतना इतना पार्ट चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ये 2 होता है और ये 1 होता है, मतलब टोटल 3 है और हमें 1 चाहिए, तो मतलब 1/3 चाहिए। और ये क्या है, हाइट, तो इसका जो 1/3 होता है वो होता है इन सर्कल की रेडियस, ठीक है। अब इसको याद मत करना, याद करने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। और जो ये है पूरा, इसका जो पूरा, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस या तो यहां ये होगी या फिर हम कह सकते हैं ये होगी, है ना, ये वाली। तो मैंने आपको बताया था ये अगर 2 है तो ये 1 है, हमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 वाला पार्ट चाहिए, तो हमें 2/3 चाहिए, 2/3 किसका, हाइट का, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा आपको याद नहीं करना, आपको क्या करना है, जब भी आपको रेडियस फाइंड करनी हो, चाहे इन सर्कल हो चाहे सर्कम सर्कल, पहले हाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, ए रूट थ्री बाय टू इंटू थ्री, ये हमारी हाइट आ गई। अब अगर हमें छोटी आर चाहिए वो तो यही आ जाएगी इंटू वन, और अगर हमें कैपिटल आर चाहिए दैट इज सर्कम सर्कल की रेडियस, तो इसका ट्वाइस कर दो, ठीक है। हाइट को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, जब तीसरा 1/3 आएगा उसका तो हो जाएगा स्मॉल रेडियस, और उसका डबल होता है बिग रेडियस, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये 2 है तो ये उसका हाफ होता है ना, ये 2 है तो ये उसका हाफ होता है, ठीक है, ये आपको सभी को समझ आ गया, है ना। अब देखो, अब इसमें तो इतना ही होता है ना, इसमें तो इतना ही होता है। अब हम आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी एंड सी, राइट एंगल हमारा है 90 डिग्री का। अब देखना इसमें आपको कितने फॉर्मूले बताता हूं मैं, ये क्या रामलीला चला रहे हो, कौन सा सेंटर पढ़ रहे हो, अनुराग सर को जगह ये आ जाते तो 1 साल वेस्ट नहीं होता हमारा। अच्छा ठीक है कर लो, मुझे पता है क्या चलता है कोचिंग में, जस्ट टाइम पास चलता है, तो ही मैं पढ़ाने लगा हूँ। मुझे फोर्स, मैंने जब हालत देखी तो मुझे ऐसे लगा यार ये सही नहीं है काम, है ना। अब देखो सारा बताता हूं मैं इसमें क्या क्या होता है, क्यों क्यों होता है और क्यों क्यों नहीं होता। सबसे पहले इस साइड को मैं क्या लूंगा, ए, इस साइड को लूंगा बी, इस साइड को लूंगा सी। सबसे एक आसान फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है क्या है,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है। उसके बाद देखो जो सबको नहीं पता, अगर 60 60 60 एंगल का ट्रायंगल है तो रेशियो 1 1 1 होता है साइड्स का, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल है 30 60 90, 30 60 90, ये 90 है, ये मान लो 30 है और ये 60 है, तो मैंने बताया था एंगल के सामने वाली साइड्स की बात होती है। जब मैं 30 की साइड की बात करूंगा तो ये वाली साइड की बात होगी, 60 के लिए ये वाली होगी, ठीक है। तो 30 60 90 वन रूट थ्री टू ये होता है, 30 के सामने वाली साइड वन, ये रूट थ्री और ये टू। कभी कभी एग्जाम में आपको ये साइड मैंने दे दी फोर, ठीक है, तो आपने समझना ये साइड है रूट थ्री एक्स और ये है एक्स, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, फोर बाय रूट थ्री, और एक्स आ गया तो ये साइड होती है टू एक्स, है ना, तो ये आ जाएगा एट बाय रूट थ्री, ठीक है, ये आ गया। अब कभी कभी ट्रायंगल होता है 120 30 30 का, 30 30 120, वो बनता है ऐसे, ये मान लो 30 है, ये भी 30 है, ये 120 है, तो ये साइड 1 है, 1 है, ये रूट थ्री आ जाएगी, मतलब 120 के सामने वाली साइड होती है रूट थ्री, ये होती है 1, ये होती है 1। अब इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में 90 वाले में अगर एंगल 45 और 45 हो, ये एंगल 45 हो, ये भी एंगल 45 हो, है ना, ये एंगल 45 हो और ये भी एंगल 45, तो ये 1 और ये 1 तुम्हें पता है क्योंकि एंगल सामने वाले सेम है तो साइड्स भी सेम होगी, ठीक है, तो 1 1 ये हो जाएगा रूट टू, है ना, ये हो जाएगा रूट टू, तो 45 45 90 में 1 1 रूट टू होएगा, ठीक है, ये आपको सारों को बात समझ आ गई। अब इसमें और चीजें देखो, इसमें मैं अब चीजें बढ़ाता जाऊंगा, है ना, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और क्या होता है इसका एरिया, एरिया देखो, जब भी मैं कहूंगा कि स्मॉल आर, जब भी मैं कहूंगा स्मॉल आर उसका मतलब होगा इन रेडियस, जब कहूंगा कैपिटल आर उसका होगा सर्कम रेडियस। इन रेडियस मतलब अंदर यहां पे सर्कल बनेगा। अब देख लो इन रेडियस जब राइट एंगल में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है ना, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, तीनों साइड्स को टच कर रहा है, यहां पे भी टच कर रहा है, ये तो हो गया इन सर्कल और इसकी ये सेंटर है, तो ये वाला चीज क्या हो गई, रेडियस, इसको बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। और अगर बाहर वाला सर्कल है, बाहर वाला सर्कल है, ठीक है, इसको यहां पे मान लो कहीं भी सेंटर होगा, ठीक है, इसका सेंटर वैसे यहां पे होता है अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये रेडियस है मान लो, है ना, ये रेडियस है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल आर, ये है बार वाला सर्कल, तो सर्कम रेडियस और सर्कम सर्कल, है ना, ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद क्या देखना है, देखो जब कभी कभी क्वेश्चन कह देगा इन सर्कल की रेडियस फाइंड करो, ट्रायंगल राइट एंगल है, तो एरिया का एक फॉर्मूला और होता है, रे स्मॉल आर इंटू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, है ना, ठीक है। मान लो अभी मैंने कह दिया कि ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ठीक है, इसका मैं कहूंगा इन सर्कल फाइंड करो, इन सर्कल की रेडियस फाइंड करो, तो तुम डायरेक्ट क्या करोगे, हाफ इंटू थ्री इंटू फोर इंटू आर, सेमी रेडियस क्या है, फाइव प्लस फोर नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व बाय टू सिक्स, ठीक है, तो यहां से दो आ जाएगा, तो आर आ गया वन, आर आ गया वन, ठीक है। ये कोई भी ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है ना, ये सिर्फ राइट एंगल में नहीं, ये एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस करोगे, हर ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है, ठीक है। अब आता है एरिया इज इक्वल टू ए बी सी बाय फोर आर, ये मल्टीप्लाई में है ना,
ये भी कोई भी ट्राइंगल के लिए पॉसिबल है ना, ये भी कोई भी ट्राइंगल के लिए, ये भी। तो हम राइट एंगल को थोड़ा साइड में कर देते हैं ना, मतलब ये कैपिटल आ रहा है। अगर तुम्हें ऐसे आर फाइंड करनी हो तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय ए इंटू बी इंटू सी, समझ गए? ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, है ना। दोबारा लिख देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू ए साइड बी साइड सी साइड बाय 4 आर। 4 एनी ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टीज एनी ट्राइंगल में एप्लीकेबल है ना, एनी ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद एक एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, रूट एस एस माइनस ए, जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है। ये कभी अप्लाई नहीं होता, बट कभी हो जाए तो हो भी जाए। ठीक है, उसके बाद एक एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, मान लो एक ट्राइंगल मैंने दिया हुआ है आपको, दे दिया मैंने 36 7, इसका एरिया पूछा, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 6 इंटू 7, और जो इसके बीच की एंगल है दैट इज 30, उसका साइन, साइन 30 मतलब हाफ, तो क्या आ जाएगा, 42/4 शुड बी योर आंसर। ठीक है, 42/4 शुड बी योर आंसर। अब इसी में एक आता है कोसाइन फॉर्मूला, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन अड़े तो कोसाइन फॉर्मूला लगा के सोल्व हो जाता है। मान लो ये थीटा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें ए बी पता है और हमें सी फाइंड करना है, या हमें ए सी पता है हमें सी फाइंड करना है ना, जो भी हमें दो साइड लेंगे तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो इसका क्या होता है, कोस थीटा मतलब ये वाला एंगल, उसके बाद इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो उसके एडजेसेंट साइड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में अपोजिट साइड सी स्क्वायर, मतलब या जो रह गई, डिवाइड बाय 2 इंटू उसके एडजेसेंट साइड ए इंटू बी। यहां से तुम्हें दो वैल्यूज पता है, मान लो ए और बी की पता है, या बी और सी की, या किसकी भी, तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी, तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया। उसके बाद अब देखो, मेरे पास ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें कभी तुम्हें पूछे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तुम्हें पूछे कैपिटल आर दैट इज सर्कम रेडियस, तो इसका क्या होता है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बाय 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद कभी तुम्हें पूछे स्मॉल आर दैट इज इन रेडियस, तो उसका फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 माइनस हाइपोटेनस माइनस हाइपोटेनस, या हम कह सकते हैं एस बाय 2 माइनस, नहीं एस बाय 2 नहीं, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनस, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनस। समझ आ रहा है सभी को? कभी कभी ये पूछ लेता है कि, अब मैं आपको पूछूंगा कि ऑर्थो सेंटर कौन सा है इसका, इसका ऑर्थो सेंटर कौन सा है राइट एंगल में, राइट एंगल में ऑर्थो सेंटर हमेशा ये पॉइंट होता है दैट इज बी पॉइंट, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ये ड्रॉप हो रही है, यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करूंगा तो ये वाली हो रही है, तो ये मीट कहां पे कर रही है, बी पे। ठीक है, यहां पे। ठीक है, अब तुमने कई क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें थोड़ी सी चीजें चटपटी सी होती है ना, तो वो क्या होता है, वो भी सीखने का मैं सिखाने का थोड़ा सा ट्राई करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करता हूं। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोलता है, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, कि यहां पे तुमने बी से बोलता है ना, बी से तुमने एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की। अब मुझे आप बताओ कि
थोड़ा लिख के बताना, ठीक है, लिख के बताना आप, है ना, लिख के बताना कि अगर इसकी साइड मैं कहूंगा 5 है, इसकी 7 है और इसकी 10 है हाइपोथेटिकली, तो बी डी की साइड क्या होगी? बी डी का आंसर निकालने के लिए तुम क्या करोगे? मुझे ये बताओ, बी डी का आंसर निकालने के लिए तुम क्या करोगे? देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये परपेंडिकुलर यहां से जब तुम ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, बी डी इज इक्वल टू, मैं ये इरेज कर देता हूं सारा, है ना, ये वैल्यूज जो हमने लिखी हैं, तो बी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी बाय ए सी, मतलब दोनों ये वाली साइड, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी डी हमारा ऑलवेज आएगा ए बी बाय सी, ए बी बाय सी, है ना। और एक चीज ध्यान में रखो, ये पूरा ट्रायंगल, ये एक एंगल 90 है, यहां पे भी 90 है, ये एक एंगल सी है, ये भी यहां पे इसका सी है कॉमन, तो मतलब दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तो मतलब ये बी डी सी और ए बी सी पूरा ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल, ये क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैं क्या लिखता हूं और तुम फिर आंसर बताओगे। अगर आंसर बता दिया तो यार मजे आ जाएंगे, है ना, आपने आंसर बता दिया तो मजे आ जाएंगे। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मुझे डी सी की वैल्यू बता दो, मुझे डी सी की वैल्यू बता दो। उसके बाद मैं एक और मैजिक दिखाऊंगा आपको, आप मुझे पहले डीसी की वैल्यू बता दो। बी डी इज इक्वल टू ए डी, ना ना ना, ये अपने आप से तुक्के मत लगाओ भाई, बी डी इज इक्वल टू ए डी कैसे हो जाएगा, कौन सा हिसाब से कर रहे हो ये, तभी तो गलती होती है आपकी। पहले ये बताओ बी डी क्या आएगा, जल्दी जल्दी मुझे बी डी फाइंड करो, बी डी क्या आएगा, बी डी बताओ जल्दी। बी डी आएगा जो अभी तुम्हें बताया था, 4 इंटू 3 बाय 5, 12 बाय 5, 2.4। ये एबीसी, एबीसी इज सिमिलर टू बीडीसी, हमें एंगल के हिसाब से चलना है, हमें एंगल के हिसाब से चलना है, मतलब एबीसी का एंगल जो 90 है, उसके सामने वाली साइड क्या है, 5, डिवाइड बाय बीडीसी के 90 के सामने वाली साइड 4। अब हमें क्या इंक्लूड करना है, डीसी, डीसी मतलब ये वाला एंगल, तो यहां पे ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या है, एंगल ए, तो 4 बाय डीसी, तो 16 बाय 5, तो डीसी क्या आ जाएगा, 16 बाय 5, दैट इज 3.2, दैट इज 3.4। 2.5 क्या दे रहे हो, 2.4, ठीक है, 2.5 क्यों दे रहे हो भाई आंसर, सागर एंड ईशांक, 2.4 कैसे आ रहा है भाई, थ्री पॉइंट टू समझ आया ना, ये बताओ पहले, 3.2 समझ आ गया सबको। अब डीसी का शॉर्टकट देखो, डीसी का शॉर्टकट देख लो, अब इतना भी नहीं करना तुम्हें, क्योंकि तुम बच्चे थोड़े डिफरेंट हो, तुम्हें टाइम सेव करना है ना, तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बीडी भी तो 2.4 आएगा ना यार, 2.5 थोड़ी आएगा बीडी, बीडी भी तो 2.4 आएगा, 4 इंटू 3 बाय 5 क्या होगा, 2.4। अब ध्यान से देखो बीडी का फॉर्मूला, पहले देखो क्या है, बीडी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, ए बी इंटू बी सी बाय ए
बी सी बाय ए सी, है ना। उसके बाद अगर तुम्हें सिर्फ मैं कहूं ये वाली वैल्यू फाइंड करो या मैं कहूं ये वाली वैल्यू फाइंड करो तो कैसे करोगे? तो अब क्या करता हूं मैं, ए ये साइड है, ये साइड मान लो बी है, ये इतनी लेंथ है एक्स, इतनी लेंथ है वाई, ठीक है। अरे फिर बी डी 2.5 कर रहे हो यार भाई, तुम बी डी 2.5 कैसे कर रहे हो? अब देखो, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई कर लो, या मैं कर लूं ये टोटल लेंथ सी है तो एक्स सी, या फिर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई सी, या फिर बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब ये याद कैसे करना है, मान लो मैंने अपनी ट्रेन यहां से पकड़ी, मैं फुल लेंथ लूंगा उसका, स्क्वेयर करूंगा ए स्क्वेयर, फिर मैं इतना चलूंगा एक्स, फिर मैं पूरा चलूंगा सी, ठीक है। फिर अगर मैं यहां से ट्रेन पकड़ूंगा तो यहां से ऐसे चलूंगा तो बी स्क्वेयर, फिर मैं इतना चलूंगा वाई, फिर मैं पूरा चलूंगा सी तो वाई सी, यहां से ट्रेन को मैं ऐसे लूंगा तो बी डी स्क्वेयर, मतलब पहला जो ट्रेन चलेगी उसका तो स्क्वेयर ही लेना, चाहे ए स्क्वेयर चाहे बी स्क्वेयर चाहे बी डी स्क्वेयर, बी डी स्क्वेयर, फिर मैं लूंगा ये एक्स ये वाई, समझ गए, फिर मैं या तो इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, तो एक्स वाई, ठीक है। इतना समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये सारे फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में डीसी फाइंड करने को कहा था ना, याद नहीं है मुझे क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन चलो ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ, वही क्वेश्चन रखूंगा 3, इसकी लेंथ 4, अब हम सबकी लेंथ फाइंड करेंगे जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, ये लेंथ आ जाएगी 5, ये तो तुम्हें पता है। अब पहले बीडी की लेंथ मुझे जल्दी बता दो, मैं क्या लिखूं, मैं 3 × 4/5 लिख दूं तो बीडी की लेंथ आ जाएगी 2.4, किसी को कोई शक? अब पहले मैं बी से ट्रेन कहां पे चलाऊं बताओ, बी से ट्रेन कहां पे चलाऊं, ए पे चला दूं, ऐसे चला दूं ट्रेन, तो पहला स्टेप जो ट्रेन का होगा वो तो स्क्वेयर ही होगा, तो मतलब 3 का स्क्वेयर 9 इंटू एडी, इंटू एडी इंटू पूरी लेंथ 5, तो एडी की वैल्यू क्या आ गई 1.8, एडी की वैल्यू क्या आ गई 1.8। अब जब तुम्हें डीसी भी पूछा हो मान लो तो क्या आ जाएगा, 1.8 यहां से कम करेंगे तो 3.2, 3.2 ये आ गया। लेकिन ठीक है, अभी हमने बी से ए ट्रेन चलाई थी, है ना, अब हम बी से ट्रेन चलाएंगे सी पे, तो ये क्या आ जाएगा, बीसी स्क्वेयर दैट इज 16 इज इक्वल टू, मान लो हमें डीसी पता है या हमें डीसी नहीं पता, हमें डीसी नहीं पता, डीसी इंटू 5, तो डीसी हमारा यहां से भी क्या आ रहा है 16/5 दैट इज 3.2, दैट इज 3.2, ठीक है। उसके बाद हम बी से ट्रेन चलाएंगे डी पे, बी से ट्रेन चलाएंगे डी पे तो क्या होगा 2.4 का स्क्वेयर दैट इज 2.4 × 2.4, और फिर आधी ट्रेन चलेगी ऐसे, आधी ट्रेन चलेगी ऐसे, तो 1.8 × 3.2, ठीक है। तो पॉइंट तो सबके आगे आगे आ जाएंगे, इसको 6 से काटूंगा 4, इसको 3, फिर इसको चाटूंगा 4 से 8, तो 8 3 का 24 और 24, तो मतलब दोनों साइड इक्वल है, मतलब हमारे तीनों चारों फॉर्मूले जो पड़े हैं वो बिल्कुल करेक्ट बैठ रहे हैं। अब ये बताओ, इतनी चीज समझ आई, कुछ नई चीज सीखने को मिली, कोई नई चीज सीखने को मिली ना, और पढ़ाऊं या बंद करूं बताओ जल्दी, और पढ़ाऊं या बंद करूं? अब आ जाओ सर्कल पे,
क्या हो गया शेप्स, वही पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे। ट्रायंगल खत्म कर दो, ठीक है ट्रायंगल खत्म करते हैं ना। ट्रायंगल में अभी तुमने और चीजें नहीं देखी, अभी और भी बहुत चीजें हैं ट्रायंगल में, वो देखो। ट्रायंगल यहां पे है क्या, शेप होनी तो चाहिए। अब ट्रायंगल में जो इन सेंटर होता है, जो इन सेंटर होता है मतलब, या जो इन सेंटर होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बाइसेक्टर है यहां पे जा रहा है, ये बाइसेक्टर है यहां पे जा रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। थोड़ा ब्लैक स्केच यूज कर लेता, तो ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होती है, जब दो बाइसेक्टर मीट करते हैं तो ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होती है। डायरेक्ट कैट में क्वेश्चन आता है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 प्लस थीटा बाय 2, 90 प्लस थीटा बाय 2। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है, मैं कहूंगा कैट में क्या क्वेश्चन आता है, एंगल ए इज इक्वल टू 60, ठीक है। द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी मीट एट पॉइंट पी, बी एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट पॉइंट पी, फाइंड एंगल बी पी सी, फाइंड एंगल बी पी सी। तो बी पी सी क्या हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ऑफ 60, दैट इज 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, 120 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है 120 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो शिवाली अब तुम गलत आंसर दे रहे हो, इसीलिए मैं ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं, है ना। बच्चों को ये पता है 180 होता है कुछ होता है, बट ये नहीं पता वो कब होता है और क्या कब होता है ना। ठीक है यार आप ऐसे मत सीखो, आप मेरा वीडियो पे ध्यान दो ना, 90 90 90 कुछ नहीं होता जो आप बोल रहे हो। अब देखो ये तो था हमारा एंगुलर बाइसेक्टर, जब एबीसी ट्राइंगल है और परपेंडिकुलर्स भी तो मीट करते हैं ना, ऑर्थो सेंटर होता है जो, तो ये परपेंडिकुलर्स हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये यहां परपेंडिकुलर होगा, ये यहां परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो जब परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं, मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, है ना। मान लो ये ऐसा क्वेश्चन है और वो बोलेगा एंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड फ्रॉम सी मीट एट पी, दिस एंगल इज 30, सो हमें पता लग जाएगा ये है 150। इतना ही वो यूज करवा देता है ना, इतना ही वो यूज करवा देता है। उसके बाद ट्रायंगल में उसके बाद क्या होता है ट्रायंगल में, यार उसका तो कुछ अभी बचा ही नहीं है मुझे लग रहा है। ट्रायंगल अभी सर्कल देख लो, ले सर्कल देख लो, सर्कल में मेन मेन प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं मैं, ये नहीं बताऊंगा सर्कम वो क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है ना, वो किसी को नहीं पता तो यार कुछ नहीं कह सकते। पहले तो इसका सेंटर बनाते हैं। अगर ये एंगल 2 थीटा है तो सर्कम फेरेंस पे एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ऑन द अदर साइड। ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, 2 थीटा के दूसरी साइड वाला एंगल थीटा हो जाएगा, मतलब उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है इतना पता लग गया। उसके बाद एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है,
मतलब जो ट्रायंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है ना, और सर्कल के अंदर, बिल्कुल सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल थीटा है तो उसके ओपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, मतलब अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। ठीक है, अब पीछे वाले डायग्राम में मैं आपको ये क्यों सिखाया, क्योंकि पीछे वाले डायग्राम में देखो, अब मैं ये एंगल आपसे पूछूं तो आप ध्यान से देखो, जो ये वाला फिगर है ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया ना, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस उस पे सर्कल पे हैं। तो इसका अगर ये थीटा है तो ये क्या एंगल हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा है ना। ठीक है, उसके बाद 2:1 मीडियन है, वो बता तो दिया यार आपको जब मैंने पढ़ाया था मीडियन बाइसेक्ट करती है, आप देखना वीडियो में पीछे जाके। उसके बाद एक डायमीटर है, डायमीटर कहीं भी एंगल बनाएगी सरकम फेरेंस पे तो वो 90 डिग्री का बनाएगी। मान लो इसका एंगल ये पूछ लिया तो ये एंगल क्या होता है, हमेशा ये एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है ना, इसको ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अगर कोई दो पॉइंट यहां पे ऐसे एंगल बना रहे हैं थीटा, तो ये दोनों पॉइंट से जहां भी एंगल बनेगा, बस यहां नहीं बनना चाहिए, अगर यहां बन गया अपोजिट साइड में बन गया तो ये तो पता है हमें 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। लेकिन इन दो पॉइंट से अगर मान लो यहां एंगल बन गया, ठीक है, यहां एंगल बन गया या कहीं भी बन गया, तो ये सारे एंगल की वैल्यू सेम होती है, थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो हमेशा क्या होता है, इसमें कोण दी होती है, कोण अगर अपनी एक साइड पे कितनी एंगल बनाए वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर आती है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो ऐसे सर्कल से टच करती हुई भागती है ना, ऐसे मान लो ये टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है। अब यहां पे मैंने कुछ ऐसा फिगर बना दिया, ठीक है, ये मैं सिर्फ वही बता रहा हूं, ये चीजें सिर्फ वही बता रहा हूं जो आपने मे भी ना पढ़ी हो, है ना, जो मे भी ना पढ़ी हो या जो आपका इंपॉर्टेंट हो, जो आप कभी कभी भूल सकते हैं, क्योंकि फैमिलियर अगर आपको बताऊं कि वो बाइसेक्ट करती है, ये करती है, वो तो फिर सारा नॉर्मल है ना, वो तो सारा बहुत स्टफ नॉर्मल है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पे अगर ये कोई एंगल बनेगा वो भी होगा थीटा, समझ गए। ये एंगल अगर थीटा है तो अपोजिट साइड में कोई एंगल ऐसे बनाएंगे तो वो भी होगा थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल अल्फा है तो अपोजिट साइड ये वाली हो गई, इसमें अगर ऐसे कोई एंगल बनेगा तो ये भी होगा अल्फा, ये भी होगा अल्फा। ठीक है, उसके बाद जब टेंजेंट की बात चल ही रही है तो एक चीज और देखो, जब टेंजेंट की बात चल रही है तो एक चीज और देखी जाए, वो क्या है, वो क्या है, समझो। अगर दो सर्कल दे रखे हैं, अगर दो सर्कल दे रखे हैं, यहां पे दोनों में एक कॉमन टेंजेंट, कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है पहले तो ये बताओ, कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है। एक तो ऐसे बनेगी, मतलब ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, चाहे ये वाली हो चाहे ऐसी हो, है ना। ठीक है, और एक होती है ट्रावर्स टेंजेंट, है ट्रावर्स टेंजेंट बोलते हैं उसको। वो क्या होती है, वो अगर टेंजेंट ऐसी हो, है ना, ऐसे हो, मान लो ये मुझे थोड़ी बन नहीं रही, ऐसे देखो, ऐसे हो और यहाँ पे सर्कल को ऐसे टच करे, मान लो ऐसी कोई टेंजेंट, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ऐसी कोई टेंजेंट हो, ऐसी कोई टेंजेंट हो, है ना, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, सीधी ना हो, है ना, टेढ़ी हो। तो कई बार क्या होता है, हमें रेडियस दिया होता है, हमें रेडियस दिया होता है, हमें रेडियस दिया होता है,
और हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ लेता है, ठीक है, इनकी लेंथ पूछ लेता है। मान लो इसकी इसका रेडियस है आर और इसका रेडियस है आर, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये सेंटर से लेके ये सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, डी, है ना, ये सेंटर से लेके ये सेंटर का डिस्टेंस क्या है, डी। तो जब हमें बात आएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रूट डी स्क्वेयर माइनस आर का स्क्वेयर। और ट्रावर्स कॉमन टेंजेंट की बात आएगी तो डी स्क्वेयर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वेयर, ठीक है, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा हो रहा हो तो हम सेशन बंद कर देंगे, है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक आता है नंबर ऑफ डायगनल्स इन ए पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगनल्स इन ए पॉलीगन, इसका फॉर्मूला होता है एन एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, एन एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स होता है, सम ऑफ एंगल्स होता है एन माइनस टू इंटू 180, एन माइनस टू इंटू 180, ठीक है। उसके बाद एक फिगर और देख लो, एक फिगर और देख लो जो है हेक्सागन, हेक्सागन का फिगर और देख लो जल्दी से, है ना। उसके बाद हम एक आधे क्वेश्चन दिखाऊंगा ज्योमेट्री के, और उसके बाद वी कैन एंड द क्लास, है ना, उसके बाद वी कैन एंड द क्लास, ठीक है। ये हमारा हेक्सागन है, इसकी ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, रेगुलर हेक्सागन है, है ना। उससे पहले एक चीज और देखो, एक चीज और समझो, जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं कोई भी फिगर में, उनका सारों का मिला के सम 360 होता है, चाहे कितना ही बड़ा फिगर हो, चाहे कितना ही छोटा फिगर हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे रिक्टेंगल हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, कुछ हो, है ना। तो उसका क्या होता है, उसका क्या होता है, 360 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब मान लो एक फिगर की n साइड्स हैं, तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और एक चीज और पता होनी चाहिए, ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ईच इंटीरियर एंगल, ये रेगुलर फिगर्स की बात हो रही है, इज इक्वल टू 180। तो अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो ईच, तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 360 बाय एन करेंगे। मतलब इस फिगर में देखो, हेक्सागन में एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या आएगा, 360 बाय 6, दैट इज 60। तो इंटीरियर एंगल क्या आएगा, 180 माइनस 60, दैट इज, मतलब ये एंगल 120 है, ये भी एंगल 120 है, हर एंगल 120 है, हर एंगल 120 है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर दो टाइप्स की लेंथ बन सकती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फ्रॉम द कैट व्यू पॉइंट, है ना। इसमें एक लेंथ तो बनेगी ऐसे, ये होती है सबसे बड़ी लेंथ, और एक लेंथ बनेगी ऐसे, इसके अलावा तुम्हारे कोई लेंथ नहीं बन पाएगी, है ना, क्योंकि ये लेंथ अगर ऐसे भी जोड़ोगे, ठीक है, या इसको ऐसे भी जोड़ोगे तो सिमिलर बन रही है ना, तो या तो ऐसी इतनी लंबी होगी या इससे लंबी। ये दिस इज द लॉन्गेस्ट डायगनल एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डायगनल, दो ही टाइप के डायगनल्स होते हैं। तो तुम्हें याद करना है, इसकी लेंथ, अगर इसकी लेंथ ए है, ये साइड ए है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 2a, इसकी लेंथ क्या होगी, 2a। कैट में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर
एक हेक्सागन की साइड की लेंथ 5 है तो उसकी लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ फाइंड करो। तुम्हें वहां पे कोई कोसाइन कुछ रूल नहीं लगाना, तुम्हें याद हो 2a लेंथ होती है तो तुम 5 × 2 करोगे, 10 शुड बी योर आंसर, है ना। और इसका इसकी लेंथ क्या होती है, a root 3, इसकी लेंथ होती है a root 3। एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या बताया था मैंने इक्विलेटरल का, √3/4a² इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। अब देखो कई बार तुम्हें ऐसा फिगर दे देगा, ये बता देगा 5, ये बता देगा 5, तो पहले तो ये बता दो ये लेंथ कितनी आएगी। मान लो तुम ये लेंथ भूल भी गए, ठीक है। अब ये तुम्हें पता है ये 120 है, बच गया एंगल ट्रायंगल में 60 बांटना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि साइड्स इक्वल है, तो ये आएगा 30, ये भी 30, 30 30 120 में मैंने क्या बताया था 1 √3 होगा, ये 1 तो 120 के सामने वाला क्या होगा 5 √3, और हमें वैसे भी पता है ये वाली लेंथ होती है 5 √a √3, है ना, तो 5 √3। अब इसका अगर तुम्हें एरिया पूछ लिया तो क्या रूल यहां पे अप्लाई होगा, ½ AB (sin θ, ½ A(b) (sin θ, मतलब sin 120 को मैं लिखूंगा sin 90 + 30, तो ये क्या आ जाएगा cos 30, तो ½ × 25 √3/2, तो 25 √3/4 इज द एरिया ऑफ दिस फिगर, है ना। अरे अपलोड क्या ये सारी वीडियो YouTube पे डल तो रही है, अभी लाइव कर रहा हूं इसके बाद YouTube पे ही रहेगी, भाग थोड़ी रही है, पहले वाली नहीं देखी क्या तुमने, पहले में भी तो सेम चीज हो रही है। अब मुझे ग्रुप में से यार कोई क्वेश्चन देखने दो ज्योमेट्री का, है ना, थोड़ा बहुत तो तुम्हें हौसला हुआ होगा क्योंकि ज्योमेट्री बहुत वास्ट है, मतलब पूरी नहीं पढ़ी जाएगी, वो तो मुझे भी पता था। एक और चीज तुम्हें पता है, ये सिंपल सी चीज तो पता होगी, अगर ये ट्रायंगल है, एक सेकेंड, ये ट्रायंगल है, अगर ये ऐसा है, ये 2 ये 3, तो ये पता ना ये 2x होगा एरिया, ये 3x एरिया होगा, है ना, 2:3 में ही एरिया डिवाइड होगा, है ना, 2:3 में ही एरिया डिवाइड होगा, समझ गए ना। अरे मजाक मत उड़ाओ, मेरी मतलब मेरी मर्जी है, उसने पूछ लिया तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं प्राइवेट भी कर दूंगा वीडियो, समझे, तो ऐसे मजाक मत उड़ाओ किसी का, ज्यादा हंसो मत। अभी क्वेश्चन पूछूंगा ना सारी हंसी गायब हो जाएगी, लेकिन हम ट्राई करते हैं 3-4 क्वेश्चन जो आज हमने किए, फिर देखते हैं उन क्वेश्चनों में क्या था। अब ग्रुप में आज क्वेश्चन आए थे, बहुत कम बच्चों ने सोल्व किए क्योंकि बच्चे डरते हैं, और यार डरना स्वाभाविक है क्योंकि आपने वो चीजें नहीं पढ़ी हुई है ना, जिसने नहीं पढ़ी हुई उसके लिए सब कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो, एक फिगर दे रखा है उसमें उसने बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है, उसका एरिया दे रखा है, एरिया इसने दे रखा है 900 √3, तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या क्या होता है, √3/4a² = 900 √3, है ना, √3 से √3 कैंसल, a² आ गया 3600, तो a हमारा क्या आ गया 60,
तो मतलब साइड्स हमें पता लगी क्या है 60। एकदम सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, आपको वो दिखाऊंगा जो आपने अभी पढ़ा है, आपको वो दिखाऊंगा। छोटी सी नॉलेज एक घंटे की क्लास कितना कुछ करवा सकती है। ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है। अब इसने बोला है पी क्यू आर आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये मीडियन है बी क्यू और ये भी मीडियन है। मीडियन की लेंथ क्या थी? रूट थ्री बाय टू ए, मतलब 30√3 इसकी पूरी लेंथ है, 30√3 इसकी पूरी लेंथ है, ठीक है। अब देखो 30√3 इसकी लेंथ है, तो ये 2:1 में डिवाइड होती है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये 20√3 है और ये 10√3 है। सेम फॉर दिस, ये 20√3 है और ये 10√3 लेंथ है, ठीक है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी, 30। ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 30, है ना, 30 30, ये हो गया 120, ये हो गया 120। ये अगर 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये भी हो जाएगा 120, ये भी हो जाएगा एंगल 120, ये भी 120 हो जाएगा। अब हमारा जो हमें चाहिए वो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये 120 है, ये हमारा 10√3 है और ये भी 10√3 है। इसका एरिया पूछा, इसका एरिया तुम्हें अभी करवाया, क्वेश्चन क्या होगा, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 120, साइन 90 प्लस 30 कोस 30 √3 बाय 2, मतलब 2 से ये कट गया 5, ये से ये कट गया 5, तो 5 5 25, ये √3 √3 3, तो 75√3 शुड बी योर आंसर, 75√3 शुड बी योर आंसर, ठीक है। अब यहां से एक और चीज देखो, ये 120, ये 30 30, ये हमें पता था ये 20√3 है, ये 20√3 है, तो ये अगर 1 है, ये 1 है, ये तो ये √3, तो 20√3 × √3 60, मतलब ये प्रॉपर्टी याद आ गई ना तुम्हें, 30 30 120 की, है ना, 30 30 120 की प्रॉपर्टी याद आ गई। एक और चीज देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इजी बनाना, जो तुमने पढ़ा वही इसमें एप्लीकेबल हुआ, कुछ और तो एप्लीकेबल भी नहीं हुआ, है ना, तो यही यूज आ जाता है ना, यही यूज हो जाता है। अच्छा लगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें उसने दे रखा है एक हेक्सागन अंदर है और एक हेक्सागन बाहर है, ठीक है, और ये वाले मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इस साइड का, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ लार्जर हेक्सागन, लार्जर मतलब ये वाला हेक्सागन, इज शेडेड, मतलब हमें शेडेड एरिया, शेडेड एरिया डिवाइड बाय लार्ज हेक्सागन के लार्ज एरिया करना है ना, तो पहले तो शेडेड एरिया फाइंड करेंगे और ये सब फाइंड करेंगे। रेशियो, रेशियो फाइंड करना है 1/2 1/3 1/4 1/6। रेशियो फाइंड करना है तो हम साइड्स को कुछ भी ले लेंगे, साइड्स को कुछ भी ले लेंगे, तो साइड्स को क्या लूंगा मैं, इसको अगर 2 लूंगा, इस पूरी साइड को 2 लूंगा, इसको 2 लूंगा, तो ये क्या आ जाएगी, ये इतनी साइड कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1, ये आ जाएगी 1, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो ये साइड है ये 1, ये साइड 1, ये साइड 1, ये 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 1, मतलब 2 साइड, जो लार्जर ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी है, 2, ठीक है। शेडेड एरिया के क्या होगा, लार्जर माइनस स्मॉलर हेक्सागन, है ना, सिंपल। तो पहले लार्जर हेक्सागन का एरिया क्या आएगा वो देखते हैं, लार्जर का एरिया क्या आएगा, जब ये वन ये वन, लार्जर का एरिया क्या आएगा, रूट थ्री, मैंने क्या बताया था, 6 √3/4 ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 2 × 4, 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब 6√3 आ गया लार्जर का एरिया,
स्मॉलर का एरिया क्या आएगा, स्मॉलर हेक्सागन का। अब स्मॉलर हेक्सागन की साइड हमें पता नहीं, ये वन है ये वन है, ठीक है, ये कितना एंगल है। अब मैं जूम कर रहा हूं काफी, ये एंगल कितना है 120, ये एंगल कितना है 120, ये साइड इक्वल है ये साइड इक्वल है, ये एंगल हो जाएगा 30, ये एंगल हो जाएगा 30। तो हमें पता है 1 1 √3, 1 1, और बड़े एंगल के सामने वाली साइड ये कितनी हो जाएगी √3, ये हमारी हो जाएगी √3, है ना। तो अब इसका एरिया कितना आ जाएगा, स्मॉलर हेक्सागन का एरिया क्या आ जाएगा, 6√3/4a² ए स्क्वेयर मतलब साइड का स्क्वेयर, साइड मारी है रूट थ्री तो 3, तो ये हमारा क्या आ गया 18/4 दैट इज 4.5√3। अब हमें फाइंड क्या करना था, शेडेड एरिया, शेडेड आएगा लार्जर माइनस स्मॉलर डिवाइड बाय लार्जर, फ्रैक्शन फाइंड करना था ना। तो लार्जर का एरिया क्या है 6√3, है ना, यहां से देख लो 6√3, और इनका डिफरेंस क्या है 1.5√3, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसल, तो 3/12 दैट इज 1/4 शुड बी योर आंसर, 1/4 शुड बी योर आंसर। जो मैंने आपको सिखाया है सारा कुछ वही अप्लाई हो रहा है, देखो, है ना, क्वेश्चन दिखने में क्या लग रहा है और क्वेश्चन एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, अगर सब कुछ पता हो, अगर कुछ पता ना हो तो बंदा कंफ्यूज है ना, अगर कुछ पता ना हो तो बंदा कंफ्यूज है। अब ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है ये इन सर्कल है, इन सर्कल का हमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज पता है, तो हम पता है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इसमें, है ना, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब ये ग्रुप में भेजा हुआ था किसी ने क्वेश्चन, लेट सी क्या क्वेश्चन है। ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इज इन द रेशियो इन द राइट एंगल लेट बी, यहां पे राइट एंगल, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ इन सर्कल विद हाइपोटेनस डिवाइड इन द रेशियो 3:2, मतलब ये 3 है ये 2 है, तो ये 3x है और फिर ये वाली 2x है, ठीक है। इफ पेरीमीटर इज 36, पेरीमीटर कितना है 36, अब ये 3x है तो ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये भी इतनी 3x हो जाएगी, है ना, उसके बाद ये 2x है तो ये कितनी हो जाएगी 2x, है ना। उसने बोला पेरीमीटर है 36, पेरीमीटर है ये वाली और ये वाली भी इक्वल है ना, ये वाली और ये वाली भी इक्वल है, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 36 इज इक्वल टू 3+3 6+4 10, 10x+2a, मतलब अगर मैं इसको a लेता हूं इसको a लेता हूं तो ये हो जाएगा 2a, तो 36 - 10x इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू क्या आ गई 18 - 5x, ठीक है, ये आ जाएगी 18 - 5x, ये भी आ जाएगी 18 - 5x, तो ये टोटल क्या आ गई, टोटल आ गई 18 - 5x + 3 18 - 2x, ये कितनी आ गई 18 - 3x और ये आ गई 5x। अब तुम्हें क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस, दैट इज 18 - 2x का होल स्क्वायर प्लस 18 - 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x², है ना। अब एक तो ये चीज हो गई, अब इसको एक और है देखने का तरीका, वो क्या है वो देखो, ये पता है हमें, ये अगर 3 है ये है हमारी 2, ये अगर 3 है ये है हमारी 2, तो और हमारा उसने बोला है 36 है पेरीमीटर, ठीक है, हमें फाइंड करना है इन रेडियस, नो प्रॉब्लम। एक हमारा ट्रायंगल होता है राइट एंगल 3 4 5 का, अगर 3 4 5 का ट्रायंगल ही होता तो पेरीमीटर होता 12, 5 + 4 + 3, बट पेरीमीटर अब दे रखा है इसने 36, तो मतलब ये 3 times है, ठीक है, तो ये भी 3 times होगा 9, ये 3 times होगा 12 और ये 3 times होगा 15, तो 9 12 15 का ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लो 9 है, ये हमारी 12 है और ये हमारी 15 है, ठीक है। अब अगर 15 का है तो ये साइड क्या हो जाएगी,
ये हो जाएगी 9, एक्चुअली ये 9 हो जाएगी और ये हो जाएगी 6, ठीक है। अब ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगी और ये हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। तो देख लो ये 12 हो गई, ये 9 हो गई और ये 15 हो गई, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनस। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? टोटल का हाफ। तो 36 का हाफ क्या हो जाएगा? 18। माइनस हाइपोटेनस कितना? 15। तो अवर आंसर शुड बी 3, अवर आंसर शुड बी 3। अब एक और फॉर्मूला पड़ा था उसी में देख लो, वो भी कंफर्म कर लो। इसका एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया हो गया 9 × 6। हमने पढ़ा था एरिया इज इक्वल टू स्मॉल रेडियस इंटू सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 9 × 6 इज इक्वल टू आर हमें निकालना है और सेमी पैरामीटर हो गया 18, है ना 18। तो 9 से ये गया 2, 2 से ये गया 3। तो इस फॉर्मूला से भी आर इज इक्वल टू 3 आर है, है ना। इस फॉर्मूला से भी आर इज इक्वल टू 3 आर है, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, 3 बज गए और 10 लोग अभी भी चैट में हैं, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है। एंड अभी अगर कोई भी आपका डाउट वगैरह कुछ भी हो तो आप बता सकते हो, है ना। हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी यूट्यूब पे ही रहेगी, उसमें आप कोई भी कुछ वो मत रखो और आप इसको शेयर करते रहिए। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे, और नहीं अच्छा लगे तो मत शेयर करो, है ना। नहीं अच्छा लगे तो फायदा नहीं है किसी का टाइम वेस्ट करने में, है ना। तो अगर कुछ भी पूछना है तो आप अभी आप बता सकते हैं, अगर कुछ भी है, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। कुछ डिलीट नहीं होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सब कुछ पड़ा रहेगा, ठीक है। अभी एग्जाम की बात कर लो यार, अभी कॉलेज वॉलेज तो भी बहुत दूर है। एग्जाम देखो, जब एग्जाम हो जाएगा तब डिसाइड करते हैं कि क्या होता है ना।
ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, तो बेस्ट ऑफ लक एंड पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।